वैसे तो इस गर्मी में बारिश किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन ये सोचिए कि अगर बारिश में पानी की बूंदे की जगह हीरे यानी कि डायमंड बरसने लगे तो धरती पर शायद ये संभव नहीं है। लेकिन आपको बता दे कि डायमंड की बारिश होती है। दरअसल यूनिवर्स में मौजूद अन्य कुछ ग्रहों पर हीरों की बारिश हो रही है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या आपको पता है हीरे कैसे बनते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो इसे ध्यान से सुने। हीरे अत्यधिक कॉम्प्रेस्ड यानी कि संपीड़ित और गर्म कार्बन से बने होते हैं। थियोरेटिकल रूप से यदि आपने अपने ग्रिल से चारकोल ब्रिकेट लिया और इसे गर्म किया और इसे काफी देर तक काफी कठिन दबा दिया तो आप हीरे बना सकते हैं। पृथ्वी पर हीरे लगभग 100 मील पृथ्वी के नीचे बनते हैं। ज्वालामुखी मैग्मा उसे धरती के पास लेके आती है जो हमें चमकदार रत्न प्रदान करते हैं जो हम अंगूठियां और इयररिंग्स में चिपकाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि धरती पर बनने वाले डायमंड्स दूसरे प्लैनेट्स में कैसे पहुंचे तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। ब्रह्मांड पर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो मानवीय दिमाग की समझ से बहुत दूर है। आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो लेकिन जुपिटर यानी कि बृहस्पति और सैटर्न यानी कि शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिन पर हीरों की बारिश होती है और इस बात की पुष्टि अब वैज्ञानिक भी कर चुके हैं। एक रिसर्च के अनुसार बृहस्पति और शनि यानी कि जुपिटर और सैटर्न ग्रह पर डायमंड की बारिश लगातार होती रहती है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एनुअल मीटिंग में कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया था कि इन ग्रहों पर गरज चमक और तूफान के साथ ओलावृष्टि यानी कि हेल मीथेन को कार्बन में बदल देता है जो गिरने पर ठोस होकर ग्रेफाइट का रूप ले लेता है और फिर हीरों में बदल जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया है कि इन ग्रहों पर चमकदार क्रिस्टल बहुत अधिक मात्रा में है जो बिजली और तूफान में नीचे की ओर गिर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जुपिटर और सैटर्न के वातावरण में मीथेन भी शामिल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शनि ग्रह पर हर साल लगभग 1000 टन डायमंड का हिस्सा उत्पन्न हो सकता है। क्यों? ये बात सुनकर आप चौंक गए ना और मन में थोड़ा सा लालच भी आ गया, राइट? लेकिन इससे पहले आप जुपिटर या सैटर्न पे जाने के लिए कोई वाहन बनाएं, एक चीज याद रखें, वहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि कोई भी धरती पे बनने वाला वाहन उन बादलों के करीब पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम में से किसी को भी नहीं पता है कि जुपिटर और सैटर्न में एक्चुअल में हीरों की बारिश होती है या नहीं, और अगर होती भी है तो वहाँ की गर्मी को कम्पीट करना हम आम इंसानों का काम नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमारे पास जितना है हम उसी में खुश हो जाए। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।